सितारगंज में प्रस्तावित पुलिस आवास के लिए कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि पुरानी तहसील बिल्डिंग के बराबर में नई तहसील भवन का निर्माण होना था, साथ ही तहसील भवन के ठीक सामने खाली पड़ी भूमि पर पुलिस आवास बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद वहां पर निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसके चलते सोमवार को उधम सिंह नगर के DM उदयराज सिंह और SSP मणिकांत मिश्रा ने कोतवाली से 100 मीटर दूरी पर ब्रिटिश कालीन खंडर पड़ी बिल्डिंगों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही खोड़ की भूमि के इर्द गिर्द खंडर पड़े राजस्व कर्मियों के आवास वाले एक बड़े क्षेत्रफल में पड़ी भूमि का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान DM उदयराज सिंह ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों के आवासों सब रजिस्ट्रार ऑफिस और ट्रेजरी को कैसे व्यवस्थित कर पाए, इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्लान होगा जनता और कर्मचारियों के हित में जल्द ही फाइनल कर दिया जाएगा। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। SSP साहब साथ में ADM साहब और SPCD साहब सब साथ में, और हम लोगों ने ये आज प्लान किया कि जो अगला फ्यूचर डेवलपमेंट है ऑफिस का, रेजिडेंस का, तहसील का या पुलिस का, उसके लिए जो लैंड दी जाए वो सुटेबल लैंड दी जाए। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तहसील एक बड़ा ही कह लीजिए कि ऐसा कैंपस होता है, ऑफिस होता है, जहां हर आदमी आता है, गरीब से गरीब आता है और बड़ा से बड़ा आदमी भी आता है, भीड़ लगती है, वहां अधिवक्ता भी बैठते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो जमीन बिल्डिंग बन गई लेकिन उसके सामने जमीन नहीं है, वो भी इस तहसील के लिए ठीक न लगता। ये सारे बिंदुओं को देखने के बाद हम लोगों ने तय किया, खुद निरीक्षण कर लें कि आने वाली जनता सब रजिस्ट्रार ऑफिस ट्रेजरी कैसे हम सबको व्यवस्थित कर पाएंगे, अधिवक्ताओं को भी कैसे सुविधा दे पाएंगे। इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने अभी वहाँ भी स्थल का निरीक्षण किया। अभी जो